गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, लेसन 15, अ मैंस कप, एक आदमी का बच्चा। स्टूडेंट्स, आज हम ये लेसन रीड करते हैं, लेसन 15। इट वॉज 7 o'clock और ऑफ अ वेरी वार्म इवनिंग इन द सियोनी हिल्स व्हेन फादर वॉल्फ वॉक अप फ्रॉम हिज डे रेस्ट। ही स्क्रैच्ड हिमसेल्फ and yawned and spread out his palms one after the other to get rid of the sleepy feeling in their tips. Mother Wolf lay with her big gray nose dropped across her 4 squealing cubs. The moon shone into the mouth of the cave where they all lived. शाम के 7 बजे सियोनी हिल्स पर काफ़ी गर्मी थी, जब पिता भेड़िया, जो दिन में आराम करके जाग गया था, उसने खुद को कुर्चा अपने पाँव को फैलाया उठने के लिए, अपनी नींद से छुटकारा पाने के लिए। फिर माँ भेड़िया अपनी बड़ी सी ग्रे नाक के साथ, अपने चारों बच्चों के साथ, उनको घेरे हुए, उनके साथ इकट्ठे बैठे हुए बैठी हुई थी। और चंद्रमा की रोशनी, जो चांद की रोशनी है, गुफा के जो मुहाने में से, मुहाना मैंने जैसे हॉल सा होता है, उसमें मुहाने में से जो चंद्रमा की रोशनी जो है चमक रही थी, जहाँ पर वे सभी लोग रहते थे। कहाँ पे रहते थे? वहीं पे। स्क्वीलिंग का मेकिंग लॉन्ग हाई साउंड, एक तेज की, मतलब एक आवाज़ के साथ। आगे ऑग्रे सैड फादर वॉल्फ, इट इज़ टाइम टू हड हंट अगेन, ही वॉज गोइंग टू स्प्रिंग डाउन हिल वेन अ लिटल शेडो विद अ बुशी टेल क्रॉस द थ्रेशोल्ड एंड द विंड। गुड लक टू यू ओ चीफ ऑफ द वॉल्स एंड गुड लक टू यूअर नॉबल चिल्ड्रन, डू नॉट फॉरगेट हंग्री वंस लाइक मी। और आग्रह करते हुए पिता भेड़िए ने कहा, यह समय है दोबारा शिकार करने का। वह जा रहा था एक तेज आवाज़ के साथ पहाड़ों में नीचे की तरफ, अपनी पूंछ के साथ तेज आवाज़ में उस सीमा को उसने पार कर लिया था, भी शुभकामनाओं के साथ। तुम्हें शुभकामनाएं, भेड़िए के चीफ ने कहा। किसने कहा? भेड़िए के चीफ ने कहा। और तुम्हारे महान बच्चों को भी शुभकामनाएं, मेरे जैसे भूखे लोगों को मत भूलना। किसको ना भूलना? भूखे लोगों को मत भूलना। थ्रेशोल्ड का मीनिंग होता है द फ्लोर एट द एंट्रेंस। वाइन का मीनिंग है मेड अ लॉन्ग हाई अनप्लीजेंट साउंड, एक ऊँची आवाज़, जो अनप्लीजेंट तीखी आवाज़। इट वॉज द जैकल तैबेक्वाई, The wolves hate Tabaqui because he runs about making mischief and telling tales and eating rags and piece of leather from the village. जो ये है, ये जो जैकल टैबाक्वाई जो नाम का है भेड़िया, टैबाक्वाई से भेड़िया जो है नफरत करता था, क्योंकि वह शरारत करने और किस्से सुनाने के बारे में काफ़ी चर्चित था। But they are afraid of him too because Tabaqui often goes mad and then he forgets fear and runs through the forest biting everything in his way. Even the tiger runs and hides when little Tabaqui goes mad. जो Tabaqui था, जो ये जैकल टैकवर्ट्स Tabaqui से क्या करता था? नफरत करता था। क्यों करता था? वो शरारती करता था, किससे सुनाता रहता था, और वो चिथड़े, मतलब कपड़े जो कि फटे हुए होते हैं, और चमड़े के टुकड़ों को, मतलब खा खा कर ढेर कर देता था उनका। लेकिन वे उससे डरते भी थे, क्योंकि तैबाक्वाई क्या होता था, पागल हो जाता था कई बार, और वह डर को भूल जाता था, उसे कोई डर नहीं होता था। और उसमें क्या था, वो दौड़ता था, उसके रास्ते में जो भी उसे कोई मिलता था और उसको काटता था, जहाँ तक कि टाइगर भी दौड़ पड़ते थे, उसे देख के छुपते थे। क्यों छुपते थे? जब छोटा ताबाक्वाई पागल हो जाता था तो फिर वो क्या करता था, सभी को काट लेता था। एंटर देन एंड लुक सैड फादर वॉल्फ स्टिफली, बट देर इज़ नो फूड हेयर। फिर वो एंटर करता है, मतलब प्रवेश करता है, और देखता है पिता जो भेड़िया है, बड़े कठोरता से कहता है कि यहाँ कोई भोजन नहीं है। फॉर अ वॉल्फ नो सैड ताबाक्वाई, बट फॉर मी अ ड्राई बोन इज अ गुड फीस्ट, हु एम आई जस्ट अ जैकल। ही स्कटल्ड टू द बैक ऑफ द केव वेयर ही फाउंड द बोन ऑफ ए बक विद सम मीट ऑन इट एंड स्टार्टेड
मंचिंग ऑन इट मैरिली। एक भेड़िया जो है फिर वो प्रवेश करता है और वो देखता है फॉर ए वॉल्फ। एक भेड़िए के लिए नहीं कहता तब कोई, लेकिन मेरे लिए सूखी हड्डी एक अच्छी दावत है जो मैं सिर्फ जैकल हूँ। और फिर वह दौड़ता है जल्दी जल्दी छोटे कदमों के साथ गुफा के पीछे की तरफ, जहाँ पर उसे कुछ मांस के टुकड़े और एक हिरन की हड्डी मिलती है और वहाँ उनको कुतरना शुरू कर देता है, मतलब खाना शुरू कर देता है। तैबा क्वाई सेट स्टिल रिलैक्स्ड आफ्टर अ गुड मील एंड देन ही सेट स्पाइटफुली, शेरे खान द बिग वन हैज़ शिफ्टेड His hunting grounds, he will hunt among these hills for the next month, so he has told me. तैबा क्वाई जो था बैठ गया है एक अच्छे भोजन के बाद आराम करने लगा है और वह फिर निर्दयी तरीके से बोलता है, शेरे खान बड़े ने अपने शिकार को बदल दिया है, वह अगले महीने इन पहाड़ियों के बीच में शिकार करेगा, उसने मुझे बताया है। वह कहता है शेरे खान इन पहाड़ियों के बीच में अगले महीने अपना शिकार करेगा। शेरे खान कौन है? शेरे खान वाज द टाइगर हु लिव्ड नियर द वैन गंगा रिवर 20 मील्स अवे। शेरे खान एक बाद है जो कि 20 मील दूर वैन गंगा नदी के पास रहता था। ही हैज़ नो राइट, फादर वॉल्फ बिगेन एंग्रीली, बाय द लॉ ऑफ द जंगल ही हैज़ नो राइट टू चेंज हिज क्वार्टर विदाउट ड्यू वार्निंग। He will scare off every small animal when 10 mils and I have to kill for my whole family. वो कहता है भेड़िया उसे कोई अधिकार नहीं है, गुस्से में कहता है भेड़िया जंगल के कानून के हिसाब से उसे कोई हक नहीं है अपना एरिया बदलने का बिना किसी चेतावनी के। वह 10 मील तक हर जानवर को क्या करेगा, डराएगा धमकाएगा और मैं अपने परिवार के लिए मैं उसे क्या कर दूंगा, मार दूंगा। आई हैव टू किल फॉर माई होल फैमिली, मैं जो है अपने वो उसके परिवार को क्या कर देगा, मार देगा। जो अपने परिवार के लिए क्या कर देगा, वो मार देगा। स्टूडेंट्स आज हम इतना ही रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।